बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, यस बी नगर कॉलेज कलाम सुल्तान। आप लोगों को क्लास सिक्स की किताब पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश की लेसन सेकंड है। लेसन का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। देखिए, आप लोग किताब देखेंगे, देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री, एक आम का पेड़ था और दूसरा बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर, यानी वे आपस में बात करते थे, वे आपस में बात करते थे एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग, पूरी दिन जो है मतलब एंजॉय करते थे, बहुत ही खुश रहते थे। एवरी नाइट, हर रात को लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम, यानी हर रात को आ करके शेर और टाइगर, वही पेड़ के नीचे शेर भी आते थे, टाइगर भी आते थे, आ करके उसी पेड़ के नीचे सोते थे, बरगद के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, लेकिन जो मैंगो ट्री था वह जो है जानवरों से हेट करता था, मीन्स नफरत करता था। कहता क्या है, आई विल ड्राइव देम अवे, हम इनको भगा देंगे, वो कहता था इनको भगा देंगे। दे रोर लाउडली, क्योंकि ये रह रहा के ग्रस्ते हैं, एंड स्मेल बैड, इनकी गम बहुत खराब है। ही सेड, उसने कहा, द बनियान ट्री सेड, लेकिन बरगद का पेड़ बोलता है, वो कहता है डोंट बी सो रूड, यानी इतना जो असिस्ट मत बनो, इतना रूड मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, यानी हम सबको जरूरत है, हम पेड़, यानी कि हमें जानवरों की जरूरत है और जानवर को हमारी जरूरत है, दोनों की आवश्यकताएं हैं। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर, यानी हमें हमेशा तालमेल से, सामंजस्य से रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, लेकिन जो मैंगो ट्री था वो बहुत ही कठोर था, उसका बिहेवियर, उसका नेचर बहुत ही कठोर था, ओवर रेगिड था, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, यानी वो तैयार नहीं हुआ, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी रात के समय जब सभी जानवर उस पेड़ के नीचे सो रहे थे, आम क्या करता है, द मैंगो ट्री शूट इट्स ब्रांचेस, आम क्या करता है, रात को जो है अपने ब्रांचेस को, अपनी शाखाओं को सूख करता है, हिला देता है जोर से, डराता है इनको, एंड मेड लाउड नॉइज, और जोर से आवाज भी करता है इनको डराने के लिए। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज ए डेमन, ये कोई राक्षस है, कोई शैतान है, एंड ट्रेन अवे, वहाँ से भाग खड़ा है, जानवर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। द मैंगो ट्री लाफ एंड फेल हैप्पी, अब जो आम का पेड़ है वह जो है बहुत तेजी से हंसा और बहुत ही खुशी महसूस किया, बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग, शाम के समय, टू वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, यानी दो वुड कटर आते हैं जंगल में, दो लकड़हारे आते हैं जंगल में, दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ हैं। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने देखा एक बड़ा जो है आम का पेड़, उस आम के पेड़ को देखे, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए, यार अच्छा पेड़ है, बढ़िया पेड़ है, इसे काटते हैं। वन ऑफ द वुड कटर सेड, एक ने कहा, फ्रेंड्स देखिए दोस्त, लुक व्हाट ए बिग ट्री इट इज, कितना बड़ा पेड़ है, लुक, देखिए। द अदर सेड, यस यस, दूसरे का हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत बड़ा है, एंड देयर इज नो वन हियर, और यहाँ कोई है भी नहीं, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल, न तो कोई जानवर है और न तो कोई आदमी है, सो लेट अस कट द ट्री डाउन, इसलिए चलो आओ जो है हम इसे काट गिरा देते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, इसके बाद उसे काटना शुरू कर दिए हुए। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, अब आम का पेड़ जो है इतना पेन होता है, इतना कष्ट होता है, इतना दर्द होता है, कुछ चिल्लाता है। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्त का कंडीशन देख करके, द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, यानी अब जो है चिल्लाता है कि हमारी सहायता।
चिल्लाता है इस वॉयस वॉज हर्ड, यानी बर्गर चिल्लाता है कि यार हमारे दोस्त की सहायता करो, बर्गर चिल्लाता है बेचारा। इसके बाद जो है हिज वॉयस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, यानी उसकी आवाज़ को जो है जंगली जानवर सुन लेते हैं। दे रश टुवर्ड द मनी एंट्री, सब दौड़ करके आते हैं बरगद के पेड़ की तरफ, दौड़ करके आते हैं सभी जंगली जानवर। व्हेन द वुड कटर सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, और जब लकड़हारे ने देखा उन वाइल्ड एनिमल को, उन जंगली जानवरों को जब वो देखा, दे रेन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, यानी इतनी तेज भागे यहाँ तक कि कुल्हाड़ियाँ भी गिर पड़ जाती हैं, कुल्हाड़ी भी छोड़ देते हैं, इतनी तेज भागते हैं डर करके। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, इसके बाद जो है उन्होंने देखा कि आम के पेड़ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, ये सिर उसने कहा यू वेयर राइट माई डियर फ्रेंड, यानी वास्तव में आप सही कह रहे थे, यानी हमें जो है एक दूसरे की आवश्यकता, आप समझ में आ गई वैल्यू, अब अवकाश समझ में आ गई। तो कहता है कि वास्तव में आप सही कह रहे थे कि हमें उनकी आवश्यकता है। वी नीड इज अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, यानी हमें आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है, खुश रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हम दोनों एक दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, यानी अब जंगली जानवर जो आए थे खूंखार बनकर के गुस्से में आए थे, वे जो है आम के पेड़ से पूछते हैं, कहते हैं इट इज ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, इस तरह से वो कहते हैं कि यह केवल जो है सहभागिता से ही सुरक्षा जो है मतलब सुरक्षित रहेगी, हम लोग सहभागिता साथ रहेंगे तभी हमारी सुरक्षा रह पाएगी, फ्रेंडशिप इज बॉर्न, यानी इसी से हमारी सुरक्षा जो है पैदा होती है, अगर हम साथ रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। आई टोल्ड यू, हमने आपसे कहा वी नीड एनिमल्स, हमें ज़रूरत है एनिमल्स की, एंड दे नीड अस, उन्हें हमारी ज़रूरत है। If we do not help each other, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते तो we will fall in trouble, मची हमें मुसीबत में पड़ेंगे। सेड द बनियान ट्री, बरगद का पेड़ कहा, बच्चों ये लेसन समाप्त होता है। देखिए दिया गया है डोंट कट ट्रीज, नीचे दिया गया है यानी पेड़ मत काटिए, सेव ट्रीज पेड़ बचाइए, प्लांट ट्रीज पौधे लगाइए, ठीक है। ये पेड़ बच्चों इस तरह से सॉरी ये जो है चैप्टर खत्म हुआ, और आज जो है आप लोगों को प्रश्न उत्तर जैसा कि पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है तो आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, याद करके उसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री डू ऑल द डे, यानी कि ये बरगद का पेड़ और आम का पेड़ दिन भर क्या किया करते हैं। सेकेंड है व्हाट डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव एनिमल्स, व्हाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव एनिमल्स अवे, यानी कि मैंगो ट्री जो है यह जानवरों को क्यों भगा देना चाहता था, ड्राइवर क्यों भगा देना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री, यानी कि बनियान ट्री जो है यह कौन सा एडवाइस देता है, मैंगो ट्री को कौन सा सलाह देता है, आप इसको बताएंगे। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड लाउडली, यानी तब क्या हुआ जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया, तब क्या होता है, आप लोग इसको बताएंगे। थैंक्स।